बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लेक्चर नंबर 1 को। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम इसके नेम को देंगे तो इसमें हमारे पास है कार्बो। कार्बो का जो वर्ड है इज़ यूज्ड फॉर कार्बन, और जबकि हमारे पास हाइड्रेट का वर्ड यूज़ हुआ है वाटर के लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम इसलिए कहते हैं कि जब वाटर के साथ कार्बन कंबाइन हो जाता है तो उसे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और इसलिए भी कहा जाता है इसे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास होते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CH2O। ठीक है, जनरल फार्मूला से क्या है, CH2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होती है वो सेम होती हैं एज इन वाटर। वाटर में भी हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट से अगर जनरल फार्मूले को हम देखें तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वही रेशियो होती है जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और क्या है, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पोली हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, पोली मीन्स मैनी, पोली का क्या मतलब है, मैनी। हाइड्रोक्सी का जो वर्ड है दिस इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमारे पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अब पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मींस मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं, और साथ में या एल्डिहाइड मौजूद होता है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है और साथ में क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में दी कंटेंस एल्डिहाइड और कीटोन इज फंक्शनल ग्रुप। ये दो ग्रुप्स उनमें होंगे और इनको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इनको ये डिफरेंशिएट करता है एल्डिहाइड और कीटोन को। दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। अगर हम इसी एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। अब यहाँ पर फिगर आप देखें तो फिगर में हमारे पास है पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। अब एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो हमारे पास क्या है, जो इसके टॉप पे नज़र आ रहा है, जब कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन उसके एक साइड पे मस्ट हाइड्रोजन अटैच होगा। मींस कि एल्डिहाइड हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें एक साइड पे तो डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, और एक साइड पे मस्ट इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, चाहे दूसरी साइड पे कार्बन हो या कोई और ग्रुप हो, लेकिन इसके एक साइड पे डबल बॉन्ड बनेगा इसका ऑक्सीजन के साथ और दूसरी साइड पे इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। तो इस फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड। लेकिन पोली हाइड्रोक्सी है तो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारे पास है पोली हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, लेकिन उसके दोनों साइड्स पे मस्ट कार्बन ही अटैच होगा। एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन अटैच होगा, दूसरे साइड पे कार्बन या कोई दूसरी ग्रुप अटैच हो सकता है, जबकि कीटोन में हमारे पास जो कार्बन होगा अगर वो एक डबल एक साइड पे डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसके साथ दो साइड्स पे मस्ट क्या अटैच होगा, कार्बन ही अटैच होगा। तो इसको क्या कहते हैं, हमारे पास है कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जबकि ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड। कार्बोहाइड्रेट्स में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन इनकी किस बेस पे की गई है। कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, किसके बेस पे, ऑन द नंबर ऑफ शुगर्स और सैकराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमर से बनता है, हमारे पास ये क्या है, एक पॉलीमर है जो कि मोनोमर से बनता है, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैकराइड्स या डिफरेंट शुगर्स, मीन्स डिफरेंट मोनोमर्स कंबाइन होते हैं। ये मोनोमर है और एक हमारे पास क्या है,
और एक ये मोनोमर हो गया, दो फॉर एग्जांपल इस तरह मोनोमर्स अटैच होके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, CH2O कार्बोहाइड्रेट। अब इन मोनोमर के नंबर के बेस पे हमारे पास, अगर इनको हम थोड़ा सा नीट लिखते हैं तो इस तरह मोनोमर 1, 2, 3 और इस तरह डिफरेंट मोनोमर्स अटैच होकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब इन नंबर के बेसिस पे क्या की गई है, क्लासिफिकेशन की गई है। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स है। नंबर 1 है मोनोसेकेराइड। मोनो मीन्स 1, तो ये मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सेकेराइड का वर्ड यूज़ हुआ है फॉर शुगर यूनिट्स। तो इसमें कितने होंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि एक शुगर यूनिट से बनते हैं उन्हें कहा जाता है मोनोसेकेराइड्स। जब सेकेंड वन इज़ ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो मीन्स फ्यू। ओलिगो का क्या मतलब है, फ्यू मतलब कुछ होंगे, इसमें एक से ज़्यादा होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, फ्यू शुगर यूनिट से मिलकर बनता है। जबकि थर्ड टाइप है पोलीसेकेराइड। पोली मीन्स मैनी और सैकेराइड इज़ यूज फॉर शुगर यूनिट्स। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, पॉलीसेकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मैनी शुगर यूनिट्स। इनका हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मोनोसेकेराइड्स। फर्स्ट वन मोनो मीन्स वन एंड सैक्रम इज़ यूज फॉर शुगर। तो मोनोमर्स नहीं, ये हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि सिंगल शुगर यूनिट से बनते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स। ये क्या, हमारे पास सिंपल शुगर है, एक ही मोनोमर से बनते हैं, तो ये इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर ये पॉलीमर होता तो पॉलीमर को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनटू मोनोमर्स, लेकिन ये एक ही मोनोमर से बनता है, एक ही मोनोमर से बनता है तो इसकी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू मोनोमर्स या सिंपल यूनिट्स में। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन मोनोसेकेराइड इज 3 to 7। कार्बन एटम्स जो मोनोसेकेराइड में प्रेजेंट होते हैं, मोनोसेकेराइड में हमारे पास एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है, और इस एक शुगर यूनिट में कितने कार्बन आ सकते हैं, 3 से लेकर 7 तक कार्बन एटम इसमें हो सकते हैं इस शुगर में, ठीक है। शुगर एक होगा लेकिन इसमें जो कार्बन होंगे वो 3 से 7 हो सकते हैं, 3 to 7 इसमें कार्बन एटम्स हो सकते हैं। दे आर नॉट हाइड्रोलाइज इंटू सिंपल यूनिट्स, क्योंकि एक ही शुगर यूनिट है तो एक शुगर यूनिट को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अगर ये हमारे पास पॉलीमर होता तो पॉलीमर को हम ब्रेक डाउन करके क्या बना लग सकते थे, उनसे उनको मोनोमर्स में या सिंपल यूनिट में हम इनको हाइड्रोलाइज कर सकते थे। दे हैव नेम्स विच एंड इन ओस। मोनोसेकेराइड्स में जितने भी हमारे पास अभी आगे मोनोसेकेराइड्स आएंगे, हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उनके नेम के एंड में क्या लगेगा, OSEO, जैसे हमारे पास है ना ग्लूकोज। अब ये इसमें एंड में क्या आया है, OSEO, ग्लूकोज। इस तरह सुक्रोज, उसके एंड में क्या आता है, OSE, सुक्रोज। इसमें इसके एंड में क्या आता है, OSE। इस तरह जितने भी मोनोमर्स होंगे उनके एंड में, उनके नेम्स के एंड में आएगा OSE। और इनका जनरल फार्मूला क्या है, इसका CN, क्योंकि पावर इधर लिख नहीं सकते हम, तो CnH2n और ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होगा, N। और एन ये हमारे पास क्या होगा, इसको ये नंबर को शो करता है कि कार्बन कितने नंबर है, हाइड्रोजन कितने नंबर है और ऑक्सीजन कितने नंबर का है। इधर अगर नीट हम लिखे तो CnH2n और ON, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं, इसका जनरल फार्मूला है। अब मोनोसेकेराइड्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, और साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने कार्बन एटम्स में प्रेजेंट हैं, उस इन दो बेसिस पर मोनोसेकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब फर्स्ट वन हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर मोनोसेकेराइड्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम देखें तो मोनोसेकेराइड टू कैटेगरीज हैं। एक मोनोसेकेराइड्स वो होते हैं जिनमें एल्डिहाइड्स ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसे कहा जाता है एल्डोसिस, ठीक है। उनके मोनोसेकेराइड्स जिनमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, उन मोनोसेकेराइड्स को क्या कहा जाता है, एल्डोसिस। जबकि वो मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन प्रेजेंट होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, उन्हें कहा जाता है कीटोसिस। ये दो क्लासिफिकेशन जो है, दो कैटेगरीज जो आई हैं, ये किस बेस पे हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे है। एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन।
सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हुई है वो हुई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं मोनोसैकेराइड्स में। हमने पहले भी बात की थी शुगर उसमें क्या होगा, एक ही शुगर यूनिट प्रेजेंट होगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास 3 to 7 हो सकते हैं, 3 से लेकर 7 कार्बन, 7 तक इसमें कार्बन एटम आ सकते हैं। तो जो वो मोनोसैकेराइड जिसमें 3 क्या प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राईओसिस। ट्राई का वर्ड होगा 3 के लिए और ओसिस का वर्ड आता है मोनोसैकेराइड के एंड में, तो क्या हो जाएगा, ट्राईओसिस। फिर जिनके मोनोसैकेराइड्स में 4 कार्बन होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, टेट्रोसिस। टेट्रा का वर्ड यूज होता है 4 और ओसिस अगेन यूज फॉर मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स जो कि 5 कार्बन जिसमें मौजूद होते हैं, उनको हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पेंटोसिस। एंड देन 6 कार्बन एटम हेक्सोसिस, ठीक है। और वो मोनोसैकेराइड जो कि 7 कार्बन एटम से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेप्टोसिस। तो ये हमारे पास 5 इसकी कैटेगरीज हैं, और ये किस बेस पे है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे, कि कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं मोनोसैकेराइड में, तो उसकी बेसिस पे ये हमारे पास 5 कैटेगरीज आई हैं, जबकि फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमारे पास 2 कैटेगरीज आई हैं, एल्डोसिस एंड कीटोसिस। यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में आपको क्या दिया गया है कि क्लास कौन सी क्लास है, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसका फार्मूला क्या है, अब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डोसिस या कीटोसिस, और उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये एग्जांपल है कि एल्डोसिस कौन सा उसमें प्रेजेंट है, उनके कौन से कंपाउंड में, और कीटोसिस कौन से मोनोसैकेराइड में प्रेजेंट है, जो कि फर्स्ट हमारे पास है ट्रायोसिस। ट्रायोसिस हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि 3 कार्बन एटम के मोनोसैकेराइड को कहा जाता है ट्रायोसिस, और इनका हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, C3H6O3। कार्बोहाइड्रेट्स का हमने फार्मूला देखा, और हमारे पास क्या फार्मूला था, कार्बोहाइड्रेट्स का फार्मूला हमारे पास था कि CnH2n और O n। अब अगर कार्बन हमारे पास 3 है, कार्बन हमारे पास 3 आ जाएगा, H हमारे पास क्या होगा, 2 के साथ n है, तो n में हम क्या लगाएंगे, 3, किस पे 3 प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, तो 2 3 6 आएगा। तो अगर हमारे पास कार्बन हमारे पास 3 है तो उनमें हाइड्रोजन डबल होगा, 6 होगा, और ऑक्सीजन भी 3 ही प्रेजेंट होंगे। तो इसका फॉर्मूला आ गया C3H6NO3। इसमें जो एग्जांपल है ट्रायोसिस की, जो जिनमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, तो उसमें हमारे पास क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड हमारे पास वो मोनोसैकेराइड है जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, जबकि उसमें कार्बन कितने प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। और ट्रायोसिस का जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन। डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन 3 कार्बन एटम से बनता है, लेकिन इसमें एल्डिहाइड के बजाय कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे क्या कहते, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन। इसका फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, के रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उनके दरमियान में ये प्रोड्यूस होता है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन और ग्लाइसरल्डिहाइड, जो कि हमने जब चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं बायो एनर्जेटिक्स में, हमने पढ़ा है कि ग्लाइसरल्डिहाइड क्या प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रोसिस। टेट्रोसिस 4 कार्बन है, तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करके इसका निकाल सकते हैं कि इसमें अगर कार्बन 4 है तो इसमें हाइड्रोजन डबल होगा, हाइड्रोजन 8 आ जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 आएंगे। और इसके एग्जांपल क्या है, एरिथ्रोस एंड एथ्रोलोस, ठीक है, जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। और इसका फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट्स इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ये बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है एज इंटरमीडिएट कंपाउंड, इनके दरमियान में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज पेंटोसिस। पेंटोसिस का केमिकल फार्मूला C5H10O5, बहुत ही आसान है, सिंपल, अगर आपको पता है कि इसमें 5 कार्बन है तो आप इसका फार्मूला इजीली लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसके जो एल्डोसिस का एग्जांपल है वह हमारे पास है राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, और जबकि इसका कीटोसिस का एग्जांपल हमारे पास है राइबलोस। और इनका फंक्शन क्या है कि राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस आर कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये दोनों शुगर किस में प्रेजेंट होते हैं, राइबोस का जो शुगर है ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस प्रेजेंट होता है डीएनए में। तो डीएनए और आरएनए का क्या फंक्शन है, तो ये जो पेंटोसिस है क्या करेंगे, वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि डीएनए और आरएनए के फंक्शन है। राइबोस इज़ एन इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। राइबोस हमारे पास क्या है,
एक कार्बोहाइड्रेट है राइबलोज बाय फॉस्फेट। राइबलोज बाय फॉस्फेट हमने पढ़ा हुआ था, जो कि हमारे पास आता है क्रैब साइकिल में। तो उसमें राइबलोज बाय फॉस्फेट को हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज़ हेक्सोसिस। हेक्सोसिस सिक्स कार्बन कंपाउंड होते हैं, सिक्स कार्बन मोनोसेकेराइड होते हैं, और इनका केमिकल फार्मूला हमारे पास है C6H12NO6। और इनके एल्डोसिस की एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जबकि कीटोसिस हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज। दोनों आपस में क्या होते हैं, नंबर इनका कार्बन एटम सेम होता है, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। और इसकी जो फंक्शन है, ग्लूकोज इज रिस्पायरेटरी फ्यूल, फ्रक्टोज इज़ इन इंटरमीडिएट इन रिस्पायरेशन, एंड गैलेक्टोज इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। लास्ट वन इज़ हेप्टोसिस। हेप्टोसिस इज मेड अप ऑफ 7 कार्बन। इनका फार्मूला भी हमारे पास है C7H14O7। और इसके जो हमारे पास एल्डोसिस की एग्जांपल है वो है ग्लूकोहेप्टोज, जबकि इसके कीटोसिस की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है C2Heptulose। और ये क्या होता है, दे बोथ आर प्रोड्यूस्ड एज इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इसका है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड, कि मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। मोनोसेकेराइड के हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है और एक हमारे पास है रिंग शेप। जब मोनोसेकेराइड्स ड्राई फॉर्म में होते हैं तो उसका कौन सा शेप होता है, तो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ओपन चेन। लेकिन जब इन्हीं मोनोसेकेराइड्स को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो यही जो ओपन चेन है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू रिंग स्ट्रक्चर। ये आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वालों को क्या कहते हैं, पेंटोसिस। तो ये हमारे पास एक पेंटोस शुगर है, ठीक है, पेंटोस है। और इसमें पेंटोस की एग्जांपल आप इधर देंगे, पेंटोस की एग्जांपल क्या थी, राइबोस थी। किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास है, राइबोस का स्ट्रक्चर। जब ये ड्राई फॉर्म में होता है तो ये इस तरह लीनियर चेन बनाता है, लेकिन जब इसको हम वाटर में डाल देते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू रिंग शेप। अब रिंग शेप में, इन रिंग चेन इट आइदर एग्जिस्ट इन अल्फा और बीटा फॉर्म। रिंग शेप में भी ये क्या होते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि इसके दो शेप होते हैं, एक ओपन चेन और एक रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग स्ट्रक्चर में फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है अल्फा और दूसरा हमारे पास क्या है, बीटा। अल्फा और बीटा में क्या डिफरेंस है, जो कार्बन नंबर वन है, अगर कार्बन नंबर वन आप अल्फा का भी देखें और कार्बन नंबर टू आप बीटा का भी देखें, तो आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ जाएगा। कार्बन नंबर वन पे अल्फा में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो डाउनवर्ड प्रेजेंट होता है, जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो अपवर्ड प्रेजेंट होता है। जबकि बीटा में इसके ऑपोजिट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है अपवर्ड और जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होता है डाउनवर्ड। तो इसका सिर्फ ये मेन डिफरेंस है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। लेकिन कार्बन नंबर वन पे बी अल्फा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड प्रेजेंट होगा, जबकि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा अपवर्ड। और बीटा जो रिंग शेप होती है उसमें कार्बन नंबर वन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा अपवर्ड साइड पे, जबकि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा ऑन डाउनवर्ड साइड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ऑन कार्बन नंबर वन, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फाउंड डाउनवर्ड ऑन कार्बन नंबर वन देन इट इज़ कॉल्ड अल्फा शुगर, और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा अपवर्ड देन इट इज़ कॉल्ड बीटा शुगर। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन की पोजिशन की वजह से इसको अल्फा और बीटा में क्लासीफाई किया गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास होता है कि मॉलिक्यूल के जब स्ट्रक्चर उसका फार्मूला सेम होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी जो अरेंजमेंट होती है 3D स्पेस में, अरेंजमेंट जो उसकी एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, फार्मूला बाकी सेम होता है। मीन्स अगर हम ग्लूकोज का ले लें तो ग्लूकोज में हमारे पास उसका फार्मूला सेम होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसकी एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो उससे डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, दो डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे और दोनों को फिर क्या कहते हैं कि ये आपस में क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अगर आप फिगर में देखें तो आपको एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज नज़र आएगा। इनमें जो कार्बन नंबर है, हाइड्रोजन नंबर है, ऑक्सीजन नंबर है, सब कुछ इसका सेम होगा, फार्मूला इनका एग्जैक्टली सेम होगा। सिर्फ अगर इनके आप अरेंजमेंट देखें तो अरेंजमेंट इसी क्या है, इसमें हल्की पुल्की चेंजेस होगी। ठीक है, अब चेंजेस आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस कौन कौन से कार्बन नंबर पर हुई है।
इधर आप देख रहे हैं कार्बन नंबर वन जो है, कार्बन नंबर वन के साथ एक साइड पर अटैच है कार्बन नंबर टू, जबकि दूसरे साइड पर इसके साथ अटैच है ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप एल ग्लूकोज देखें तो एल ग्लूकोज में कार्बन नंबर वन के एक साइड पे कार्बन नंबर टू अटैच है, जबकि दूसरे साइड पे कार्बन नंबर फाइव अटैच है। तो इनकी ये डिफरेंस आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है कार्बन नंबर वन के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या अटैच है, कार्बन। और अगर आप एल में देखें तो कार्बन नंबर फाइव के साथ अटैच है कार्बन नंबर सिक्स। यहाँ पर आप को कार्बन नंबर फाइव कार्बन नंबर सिक्स के साथ अटैच हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह की जो डिफरेंट आ जाती है, जो अरेंजमेंट्स जो उनके डिफरेंट हो जाती है, तो उस तरह मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, स्टीरियो आइसोमर्स। अब जो हमारे पास स्टीरियो, ये स्टीरियो आइसोमर्स है एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, इनको हम एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। अगर हम एल ग्लूकोज को उठा के यहाँ पर हम इसके ऊपर इसका कंबाइन करना चाहें, तो इसको हम इसके ऊपर कंबाइन नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम इसको इम्पोज नहीं कर सकते। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स, कि ये आपस में स्टीरियो आइसोमर्स तो है लेकिन हम इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, एनेंशियोमर्स। बाकी ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस, इसमें सिर्फ ये मसला है कि इनको हम, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वन एंड अदर टू गिव द सेम मॉलिक्यूल, तो इसलिए इनको कहा जाता है एनेंशियोमर। एनेंशियोमर एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का वर्ड, ओलिगो मैंने पहले बताया, ओलिगो मींस फ्यू, और सैकेराइड का वर्ड यूज़ हुआ है शुगर यूनिट्स के लिए। तो इसमें क्या होंगे, फ्यू शुगर यूनिट्स होंगे। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये दे आर कंपोज या मेड अप ऑफ 2 to 10 शुगर यूनिट्स। टू होंगे या मतलब एक से ज़्यादा होगा, मोनोसैकेराइड्स में एक शुगर यूनिट था, जबकि ओलिगोसैकेराइड में एक से ज़्यादा होंगे, या दो प्रेजेंट होंगे, या दो से ज़्यादा अप टू 10 तक इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, 10 तक मोनोमर्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इनको हाइड्रोलाइज भी हम 2 से लेकर 10 तक ही यूनिट में ही कर सकते हैं। डिराइवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की मीन्स, ये मोनोसैकेराइड्स ही डिराइव हुआ है। जब मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, उससे ओलिगोसैकेराइड बनता है, और दे आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स, क्योंकि इसमें प्रेजेंट ही 2 to 10 मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हमें हाइड्रोलाइज भी सिर्फ 2 to 10 शुगर यूनिट्स में कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स, ओलिगोसैकेराइड्स आर डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड सो ऑन। शुगर के यूनिट के बेसिस पर इसी क्लासिफिकेशन किस तरह किए गए हैं कि डाई मीन्स 2, तो इसमें और सैकेराइड का वर्ड अगेन यूज़ हुआ है शुगर के, तो जिसमें 2 शुगर यूनिट प्रेजेंट होंगे तो उसे कहा जाएगा डाइसैकेराइड, जिनमें 3 शुगर यूनिट, ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 शुगर यूनिट प्रेजेंट होंगे तो ट्राइसैकेराइड, और इस तरह से प्रीफिक्स लगेगा इसके साथ टेट्रा, टेट्रासैकेराइड, इस तरह आगे हम जाते जाएंगे, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, इस तरह आगे कंटिन्यू होगा, जितने यूनिट्स होंगे उसी का प्रीफिक्स लगेगा, और साथ में सैकेराइड का वर्ड यूज़ होगा फॉर शुगर यूनिट। जितने भी इसके डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा, इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स 2 मोनोमर्स कंबाइंड फ्रॉम डाइसैकेराइड्स, 2 मोनोमर्स बनते हैं क्योंकि डाई मीन्स 2, तो 2 मोनोसैकेराइड्स या 2 मोनोमर्स कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट ज़्यादा मीठा नहीं होता क्योंकि इसमें शुगर यूनिट्स कम होते हैं, जब कम शुगर यूनिट्स होंगे तो उसमें स्वीटनेस भी कम ही आएगी। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब आगे अगर हम सुक्रोज को देखें तो सुक्रोज को कॉमनली क्या कहा जाता है, कैन शुगर, यूज्ड एज स्वीटनर इन स्वीट डिशेज, जो हम घर में स्वीट डिशेज बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है एज ए स्वीटनर, ताकि उसमें फ्लेवर ऐड करें। इन प्लांट इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट सैकेराइड, प्लांट में इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट सैकेराइड, क्योंकि प्लांट इसी सुक्रोज के थ्रू क्या करता है, जब फूड प्रिपेयर करता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जब प्लांट्स में फूड प्रिपेयर हो जाता है तो वो फूड, प्रिपेयर फूड जो होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रिपेयर जब फूड हो जाता है तो उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, सुक्रोज में, और फिर सुक्रोज को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड, कि ये एक ऐसा सैकेराइड है जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है एज अ फूड।
केमिकली अनरिएक्टिव एंड इट इज हाईली सॉल्युबल। सुक्रोज किसी कॉम्बिनेशन से बनता है, हमने कहा कि ये दो मोनोमर से बनता है, तो वो दो मोनोमर्स हमारे पास क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स हैं, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। और इनकी कॉम्बिनेशन किस लिंकेज के थ्रू होती है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब है कि अगर एक मोनोमर का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक ग्लूकोज लिया है, अल्फा ग्लूकोज हमने लिया है, अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा तो बीटा फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 से कौन सा ग्रुप रिमूव होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है एक मोनोमर से और हाइड्रोजन आता है दूसरे मोनोमर से, तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाती है और इनके दरमियान जो लिंकेज बन जाती है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लेबल करते हैं एज 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और साथ में क्या है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ है। नेक्स्ट वन इज माल्टोज। माल्टोज भी क्या, हमारे पास एक डाइसैकेराइड है और ये किससे बनता है, जब दो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, सुक्रोज बनता था ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। ठीक है, हमारे पास आता है सुक्रोज, जबकि जब दो ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनाता है, माल्टोज। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कॉमनली कॉल्ड माल्ट शुगर। इट इज़ फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, वो सीड्स जो कि ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं, जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं, जिनसे प्लांट निकलना स्टार्ट करता है, तो उन सीड्स में क्या प्रेजेंट होता है, माल्टोज प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज। कंडेंसेशन मीन्स, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कंडेंसेशन हमारे पास उस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और साथ में क्या हमें मिलता है, एक वाटर, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दो मोनोमर्स यहाँ पर कंबाइन हो गया और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो गया, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। जब दो अल्फा ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू कंडेंसेशन, और इसे तो उसे क्या बनता है, हमारे पास बनता है एक माल्टोज। लेकिन यहाँ पे मेंशन है 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इट मींस के जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है तो वो कार्बन नंबर 1 अल्फा ग्लूकोज का बना है विद द कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर अल्फा ग्लूकोज। फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा ग्लूकोज जो हमारे पास फर्स्ट वन प्रेजेंट है, इसके कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, जबकि सेकेंड ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है बिटवीन कार्बन नंबर 1 और 4, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, इट इज़ कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, और ये बनता है फ्रॉम बीटा ग्लूकोज एंड बीटा गैलेक्टोज। बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं, जब दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनाएगा और सेम कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा बिटवीन 1 और 4 कार्बन, 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये देखिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, बीटा गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 और बीटा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, जबकि बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो के क्या बन गया, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल। और जो दो मोनोमर्स कंबाइन हो के क्या बनाया, उन्होंने एक डाइसैकेराइड बना लिया, और वो डाइसैकेराइड हमारे पास क्या है, लैक्टोज। नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स। पोली मीन्स मैनी और सैकराइड मीन्स शुगर यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, मैनी शुगर यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ओलिगो का हमने पढ़ लिया था कि ओलिगो में हमारे पास कितने होते हैं, 2 to 10, जबकि पॉलीसैकेराइड में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे जो कि 10 से ज़्यादा होंगे। और ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है क्योंकि ये ज़्यादा शुगर यूनिट से बनती है, तो जाहिर सी बात है इसका साइज़ लार्ज होगा और ये कार्बोहाइड्रेट्स के बाकी दोनों ग्रुप से क्या होगा, लार्ज होगा, इसलिए इसको कहा जाता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
hydrolyzed into more than 10 monosaccharides because it is made up of many sugar units. Some contain one kind of monosaccharides called homopolysaccharide. कुछ पॉलीसेकेराइड्स में सेम मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ना कि अगर लेट सपोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और इससे हमारे पास क्या बन गया, इससे हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड बन गया. ठीक है, तो इसमें सारे वन टाइप के क्या प्रेजेंट हैं, मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं. तो इससे जो हमारे पास पॉलीसेकेराइड बनेगा उसे क्या कहेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड. अगर इसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड के मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं, लेट सपोज ग्लूकोज है प्लस सुक्रोज प्लस लैक्टोज प्लस गैलेक्टोज और इससे हमारे पास एक पॉलीमर बनता है जिसमें डिफरेंट काइंड के मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. होमो मीन्स सेम, जिसमें हमारे पास सारे जो मोनोसेकेराइड्स होंगे वो सेम होंगे, एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट, तो इसमें जितने भी हमारे पास मोनोसेकेराइड्स प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे. मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल में हमारे पास आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड काइटेन, जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हमारे पास है पेक्टिन, एगर एंड पेप्टिडोग्लिकेन. फंक्शन चीफली एज फूड एंड एनर्जी स्टोर्स. पॉलीसेकेराइड्स को हम यूज़ करते हैं एज अ फूड और साथ में इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है. Some common polysaccharides are starch, cellulose and chitin. अब देखते हैं कि starch क्या है. What is starch? Starch is a homopolysaccharide. Homopolysaccharide का मतलब है कि ये क्या बना होता है, same type के monosaccharide से बनता है और वो कौन सा है, alpha glucose. जब alpha glucose, alpha हमारे पास alpha glucose combine होते हैं large number में, glucose plus alpha glucose, तो क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा स्टार्च और ये हमारे पास क्या है, एक होमोपॉलीसेकेराइड. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स के स्टेम, रूट और सीड्स में प्रेजेंट होता है. और ये क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है. और ये हमारे पास प्लांट्स के लिए क्या है, एज अ सोर्स ऑफ फूड है और इसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है प्लांट्स को. सीरियल ग्रेन्स एंड पोटैटो टर्मिनल आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, digested in oral cavity and small intestine by enzyme amylase. अगर स्टार्च को हम लेते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सीरियल ग्रेन्स, जस्ट डिफरेंट जो हमारे पास सीरियल्स होते हैं दाल वगैरह, उसमें स्टार्च की क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है. जब हम इस तरह के सीरियल्स वगैरह खाते हैं तो उसकी डाइजेशन होती है ऑरल कैविटी में और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं जहाँ पर स्टार्च की डाइजेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एमाइलेज. ये स्पेसिफिक एंजाइम है फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ऑरल कैविटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टार्च के हमारे पास जो दो टाइप्स हैं वो इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हैं. अगर हमारे पास स्टार्च जो है वो अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, उसकी एक लीनियर चेन है और उसे किसी भी किस्म की ब्रांचेस नहीं निकली, तो उसे क्या कहा जाएगा, एमाइलोज. ठीक है, एमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जब ग्लूकोज का एक लीनियर चेन बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, एमाइलोज. इसमें किसी भी किस्म की ब्रांचेस अराइज नहीं होती. जबकि जो इसकी सेकेंड टाइप है वो हमारे पास है एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोपेक्टिन से हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस निकलनी होती हैं. ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं और इनकी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो हमारे पास है 1,6 कार्बन नंबर, बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6, जबकि एमाइलोज की बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4. जब बॉन्डिंग होती है तो वो क्या है, इसे कहा जाता है एमाइलोज. और जबकि एमाइलोपेक्टिन हमारे पास ये है ब्रांच्ड ब्रांचेस अटैच्ड टू 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इधर आप देख सकते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोज आप देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी है और एक लीनियर चेन बना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एमाइलोज. इसमें किसी भी किस्म के ब्रांचेस नहीं मौजूद. जबकि एमाइलोपेक्टिन में हमारे पास जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो क्या है, बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6, और इससे फर्दर यह आप देख सकते हैं ब्रांचेस अराइज हुई है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड है, जबकि एमाइलोज हमारे पास लीनियर चेन है और इनकी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो किसके है, 1,6 अल्फा, देखिए शोइंग 1,6 ब्रांच लिंकेज.
नेक्स्ट वन इज़ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि अगेन अल्फा ग्लूकोज से बनता है। इट इज़ यूज्ड एज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स। स्टार्च को हमने क्या स्टार्च के बारे में हमने पढ़ा था कि वो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है फॉर प्लांट्स, जबकि ग्लाइकोजन है हमारे पास स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स। स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। इसको क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो ब्रांच स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अमाइलो पैक्टिन होता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक अमाइलो पैक्टिन है और होमो पॉलीसेकेराइड। इधर आप इसकी शेप देख सकते हैं, इसे क्या है, यहाँ पर एक ब्रांच राइज हुई और ये है थ्रू वन सिक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास है सेलुलोज। सेलुलोज जितने भी अभी हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, चाहे वो स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, या जितने भी हमने सॉरी ग्लाइकोजन नहीं, जो हमने पढ़ा है स्टार्च, ग्लूकागॉन और सेलुलोज, इन तीनों में से जो मोस्ट अबंडेंट है वो हमारे पास क्या है? सेलुलोज। ये भी हमारे पास है होमोपॉलीसेकेराइड, लेकिन ये अल्फा ग्लूकोज से नहीं बनता, ये बनता है बीटा ग्लूकोज से। ग्लाइकोजन का हमने देखा है कि ग्लूकागॉन जो है वो किससे बनता है? ग्लूकागॉन बनता है अल्फा ग्लूकोज से, जबकि सेलुलोज बनता है बीटा ग्लूकोज से। और ये क्या करता है? इट्स अ स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब है कि सेलुलोज प्लांट का स्ट्रक्चर बनाता है, इसके स्ट्रक्चर को बनाने में इसकी हेल्प करता है, इसलिए सेलुलोज को कहा जाता है स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। कॉटन एंड पेपर आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन हमारे पास और जो पेपर है ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। इट इज़ अनब्रांच स्ट्रक्चर, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है? एमाइलोज। नेक्स्ट वन इज काइटिन। अगर हम देखें सेलुलोज के बाद जो ज़्यादा अबंडेंट है वो हमारे पास क्या है? काइटिन। ये भी हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है और ये स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, एंड इट इज़ द डिराइवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसलिए इसे कहते हैं। अनब्रांच स्ट्रक्चर लिंक बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगेन इट इज एमाइलोज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? एमाइलोज पॉलीसेकेराइड है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेकेराइड्स एक्सेप्ट। अभी जो भी हमने पढ़े हैं वो सारे हमने जो आपके एग्जांपल्स आपको गिवन है कि हमारे पास क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पॉलीसेकेराइड नहीं है और करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास है ग्लूकोज, ठीक है। सेकेंड वन इज लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज आर इम्पॉर्टेंट डैश। लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज इम्पॉर्टेंट क्या है? मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड्स हैं या पॉलीसेकेराइड्स हैं? इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? डाइसेकेराइड्स। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड्स हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन मैमेलियन सेल पर टोटल वेट? मैमल के सेल में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं? तो मैमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं 4% कार्बोहाइड्रेट्स।